जीटीए चुनाव आगामी 26 जून को दिन हुने निश्चित भयो, जसको मतगणना 29 जून को दिन हुने भएको जीटीए चुनाव अधिकारी एवं जलपाईगुड़ी का डिविजनल कमिश्नर एआर वर्धनले आज दार्जिलिङ में घोषणा गरे। आज दार्जिलिङ जिल्लापाल कार्यालयमा सम्पन्न भएको सर्वदलीय बैठकपछि उनले जीटीए चुनाव 26 जून को दिन सम्पन्न हुने घोषणा गरेका हुन्। आज अल पार्टी मिटिङ बुलाया गया था, तो मोरले सब पार्टी आए थे, दो पार्टी को छोड़ के। तो जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, जीटीए सभा के लिए इलेक्शन नोटिफिकेशन हो रहा है 27 तारीख को, 27 मई, और 26 जून को इलेक्शन होगा जीटीए सभा के लिए। 45 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सब कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होगा। उसके लिए नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन 27 को हो रहा है। उसके साथ साथ हमारा जो 3 आरओ नियुक्त किया गया है, एसडीओ कर्सियंग, एसडीओ दार्जिलिंग, एसडीओ कालिम्पोंग, वो लोग भी पब्लिक नोटिस उसी दिन ही देंगे 27 तारीख को 11 बजे। तो उसी दिन से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, 7 दिन तक नॉमिनेशन चलेगा। उसका बाद स्क्रूटिनी है, उसके बाद 2 दिन का रहेगा विड्रॉयल, देन 26 को इलेक्शन, 29 को काउंटिंग। ये है इलेक्शन शेड्यूल, 27 को उनका नोटिफिकेशन हो रहा है। यही सब पॉलिटिकल पार्टीज को बोल दिया गया है, शांति से वोट हो, यहाँ पर होता भी है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। वही हम लोग ने कोऑपरेशन मांगा है सब पॉलिटिकल पार्टी से और सब पे एग्री किए हैं। फोर्स कितना है? फोर्स, फोर्स, हाँ जी, फोर्स हमारे पुलिस फोर्स जो है बिल्कुल है, बढ़िया है। बाहर से नहीं आएंगे? बाहर का फोर्स नहीं, जनरली ये सब वोट में नहीं आता है, पंचायत वोट जैसा। तो स्टेट गवर्नमेंट का जितना फोर्स हमारे दार्जिलिंग में है, कालिम्पोंग में है, सफिशियंट है। जरूरत होगा तो एसपी भी दोनों थे, अगर जरूरत होगा तो बाहर से फोर्स आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सरसाइज मेड बाय द एसपी। अभी तो कोई सेंसिटिव बूथ को आइडेंटिफाई अभी तक हुआ है? ऐसे सेंसिटिव जैसे आई थिंक इसी का जैसा है सर, वही रहेगा। अस्पर रूल में जो है, अस्पर रूल वो उसमें हम करेंगे। आज भएको यस सर्वदलीय बैठकमा भाजपा अनि भाजपाका गठबन्धन पार्टीहरूले भाग लिएनन्। तर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा, तृणमूल कङ्ग्रेस, हाम्रो पार्टी, माकपा, गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस र गोजामोमोका प्रतिनिधिहरूले यसमा भाग लिएका थिए। तर यस बैठकमा गोजामोमो र गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले जीटीए चुनावको विरोध जनाएका छन्। जीटीए चुनावको अधिसूचना आगामी 27 मईको दिन जारी हुने भएको छ भने त्यसै दिनदेखि चुनावको लागि नामाङ्कन पत्र पेश गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु हुने जानकारी पाइएको छ।